हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के मैं एक और नई वीडियो आपके साथ। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको जो फरक्काबाद में आंगनवाड़ी में भर्ती निकली है उसी का फॉर्म फिलअप करके दिखाऊंगा। पूरा एक एक स्टेप देखेंगे कैसे कहाँ तक क्या भरना है, ठीक है। पूरा चारों स्टेप होते हैं भरने के, चारों स्टेपों को देखेंगे, ठीक है, शुरू से लेके एंड तक। तो वीडियो में बने रहना हमारे साथ, और ऐसी कोई भी अपडेट जानने के लिए या चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की, तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, ठीक है। सारी जो भी अपडेट आएंगी वो टाइम टू टाइम अपलोड कर दिया जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बाल विकास जो वेबसाइट है इनकी, उस पर जाना है। तो इसका लिंक मैं सिंपली दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाके भी जा सकते हो, ठीक है। या फिर आपको क्रोम में आके सर्च करना है बाल विकास। तो बाल विकास सर्च करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा आपको स्क्रीन पर। तो ये लिखा है जो रेड लाइन में, इस पर क्लिक करना है आपको, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री मिनी आंगनवाड़ी, ठीक है, इस पर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। ये एक फॉर्म है जो आपको पढ़ना है, जो आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले पढ़ना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड आंगनवाड़ी हेल्पर्स, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि रिक्रूटमेंट निकाली गई है आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए और आंगनवाड़ी हेल्पर्स के लिए। इन तीनों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म को भरने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना जरूरी है, ठीक है। आवेदक को सुझाव दिया जाता है कि आवेदन पत्र भरने से पहले अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, ठीक है। आवेदक द्वारा विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट दी है, पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, ठीक है, इसी वेबसाइट पर किया जाएगा। आवेदन भरने की प्रक्रिया पूर्णतः क्या है, निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं लगेगा आपका। और इस तरह से ये पूरा दिया है और पूरा पढ़ सकते हो। और आगे बताता हूँ, एक ये पॉइंट देखिए, ये क्या है, किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए संपर्क करें। तो टोल फ्री नंबर ये है, आप कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो टोल फ्री नंबर पे, या फिर इनकी जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी से मैसेज कर सकते हो कोई भी डाउट हो तो। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करने के बाद ये इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पे देखो, आपको अपना जनपद सेलेक्ट करना है, आप कौन से जनपद से भरना चाह रहे हो। तो मैंने बताया फरक्काबाद, तो इसका भरता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ फरक्काबाद पर। ब्लॉक का नाम, आपका कौन सा ब्लॉक है, आप ब्लॉक भरिए जो आपका ब्लॉक हो। आप कौन ग्रामीण गांव से बिलोंग करते हो या फिर सिटी से, तो वो भरिए। मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, गाँव भरता हूँ। ग्राम सभा आपकी कौन सी है, तो ये मेरी ग्राम सभा मान लो। पद का नाम, पद का नाम यहाँ पर केवल यही है, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर्स, तो इस पर क्लिक करना है। और सर्च करें पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सर्च करें पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जनपद का नाम और परियोजना, और ये ग्रामीण, और भाई ये मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। तो इसका जो फॉर्म है वो ये 14 तारीख से फिल होना स्टार्ट हो चुका है, और अंतिम तिथि 4 अक्टूबर को ये बंद हो जाएगा। तो अभी भर दें, मेरे हिसाब से साइड फाइड की कोई दिक्कत नहीं होगी, तुरंत भर दें। तो यहाँ पे अप्लाई करना है, अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, चलो मैं फिल करके कंप्लीट। तो ये मैंने भर दिया है, मोबाइल नंबर भर दिया, जन्म तिथि भर दी, ठीक है, और ये कैप्चा भी भर दिया। आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करते हैं, तो सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पर फिल करना है, वेरीफाई ओटीपी पर, ठीक है। तो देखते हैं ओटीपी आता है कि नहीं आता है। तो ओटीपी आ चुका है और इसको फिल करते हैं, तो ये देख लीजिए 78 19, ठीक है, ओटीपी आ चुका है और ये मैंने ओटीपी डाल दिया और यहाँ से वेरीफाई ओटीपी कर दिया, ठीक है। तो आगे ये कुछ इस तरह का फॉर्म खुल जाता है, इसको पूरे को भरते हैं।
तो ये पूरा चार स्टेप में फॉर्म खुला है, व्यक्तिगत वितरण, ठीक है, शैक्षिक योग्यता और फोटो अपलोड करना है, और ये लास्ट में एक घोषणा है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं, ये देखो जनपद का नाम, ये पूरा जो ऊपर भरा है उसी के हिसाब से है। रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम वहीं से देख लीजिए कौन सा डाला था, ये आ गया केंद्र का नाम। और इस तरह से ये पूरा फॉर्म भरते चलते हैं, अभी बताता हूँ। यहाँ पे आवेदिका का नाम भरना है आपको, ठीक है। आवेदिका की स्थिति जो भी है देख लीजिए, विवाहित अविवाहित जो भी इसमें से हो तो वो फिल करना है आपको। पति का नाम, ठीक है, और जो अविवाहित है तो फिर पिता का नाम, माता का नाम, ठीक है। और ये इस तरह से श्रेणी, श्रेणी कोई लागू नहीं है, और जो भी हो भर देना, क्या दिक्कत है, ठीक है। इसमें से जो भी हो वो भर सकते हो। चलो आगे देखो, ये क्या है, जो विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्ता, ठीक है, प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम, अगर इनमें से कुछ हो तो फिर उसका जो प्रमाण पत्र होता है उसको जो जारी करता है उसका नाम, उस जारी करने वाले का नाम उस पर लिखा होता है, जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, यहाँ पे उसका क्रमांक डालना है, कौन सी दिनांक को हुआ था दिनांक डालनी है। और जैसे अब मान लो कोई विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र जारी होता है, तो उस पे जो जारी करता होता है उसका नाम लिखा होता है, उसका नाम डालना है। ऐसे ही क्रमांक, दिनांक और परसेंटेज, मतलब कितने प्रतिशत विकलांगता है, 40%, 50 या 100, ठीक है, जिस हिसाब से है उस हिसाब से। स्वतंत्रता सेनानी प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम, वही है सेम क्रमांक दिनांक और इस तरह से। और ये क्या है, ये आपका यदि आप पहले से कार्यरत हैं तो फिर इसमें से चुनना है हाँ या ना, तो मैं नहीं चुनता हूँ, आगे चलते हैं। तो ये सब नहीं भरे जाएंगे जब नहीं चुनोगे तो। मकान नंबर पता देना है, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, ठीक है। और ये जिला निवास, अच्छा ये मूल निवास जो जारी करता है, जो निवास प्रमाण पत्र मतलब मूल निवास जो जारी करता है उसका नाम डालना है। और इसी तरह इसमें आगे जो फिल किया था उसके हिसाब से क्रमांक, और ये दिनांक, और यहाँ पे जाति, ऐसे ही ये सब फिल करना है। आय प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक, ठीक है, वार्षिक आय कितनी है वो फिल करनी है, ये शब्दों में डालना है आधार नंबर, और नीचे फिर डालना है, और ये कैप्चा फिल करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो अगला पेज आएगा, आगे चलते हैं। तो ये अगला पेज आ गया है, यहाँ से आपको अपने एजुकेशन डिटेल भरनी है, ठीक है। तो ये आपको एजुकेशन डिटेल भरनी है, कैसे, कक्षा 5 की, विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम, उत्तीर्ण वर्ष कौन सी वर्ष पास किया था इसमें, पूर्णांक कितने अंकों का पूर्णांक था, और कितने अंक प्राप्त किए थे, इस तरह से यहाँ पे ग्रेड अपने आप बन के आ जाएंगे, ठीक है। कक्षा 8 की बननी है, इसी तरह हाई स्कूल की बननी है और इंटर की बननी है, जो भी हो वहाँ तक भर सकते हैं। कैप्चा फिल करके अगले पर जाना है, यहाँ पे अगला पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको चूज फाइल पे जाके हस्ताक्षर और फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब यहाँ पे ये देखो मेन पॉइंट, जो हस्ताक्षर होंगे वो 20 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और हस्ताक्षर स्वहस्ताक्षरित और इसका साइज 10 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों को एक साथ भरना अनिवार्य है, ठीक है। अगले पर चलते हैं, इस तरह ये से भरने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इसको पढ़ के आगे जाना है और इस पर क्लिक करना है, ये टिक लग जाएगा यहाँ पे। टिक लगने के बाद, कैप्चा फिल करने के बाद, फिर सबको चेक करके और सेव करके सुरक्षित करके प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, तो प्रिंट कर देना है, आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। हाँ, कोई भी डाउट हो, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और इसका जो रिजल्ट है वो भी देखेंगे कब रिजल्ट आता है, जो बाकी के जिले के फॉर्म भरे गए उनका, और जो आपका मानदेय था वो 1500 रुपये बढ़ाने की कल बात की थी सुरेश खन्ना ने, और जो अपने यूपी के वित्त मंत्री हैं, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने बना दिया, आप जाके चेक कर सकते हो किन किन के 1500 बढ़ेंगे और 1200 किन के बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।